हेलो एंड वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ के मिडिल ईस्ट यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है संजीव कौशल और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे माल्टा के बारे में। माल्टा एक शेंगेन कंट्री है जो कि एक बहुत ही ब्यूटीफुल आइलैंड है, इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है। बहुत सारे लोग वहाँ पे बहुत सारे पर्पज़ के लिए वीज़ा अप्लाई करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इस टूरिज़म, बहुत सारे लोग साल में जाते हैं घूमने फिरने के लिए। पूरे यूरोप में सिर्फ माल्टा ही ऐसी कंट्री है जो इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है। बाकी सारी कंट्री की, बहुत सारी शेंगेन कंट्री है, यूरोपियन कंट्री है, हर कंट्री में इंग्लिश सेकेंड लैंग्वेज है। फर्स्ट उनकी ऑफिशियल लैंग्वेज कुछ और है, लेकिन माल्टा की ऑफिशियल लैंग्वेज, गवर्नमेंट की लैंग्वेज भी इंग्लिश है। तो यही एक रीज़न है हमारे बहुत सारे इंडियन, पाकिस्तानी, नेपाली, बंगाली भाई हैं जो माल्टा में अपना कैरियर के लिए जाते हैं। माल्टा में भी PR मिलती है, पासपोर्ट मिलता है, लेकिन एक बात भी है, पहले आपको वहाँ पर जाना पड़ता है, जॉब लेनी पड़ती है, वर्क परमिट लेना पड़ता है, आपको वहाँ पे रहना है, आपकी जॉब की ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉलो करनी है, उनके टैक्स सिस्टम में कंट्रीब्यूशन करना है, टैक्स पे करना है, एंड देन आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको PR पासपोर्ट के लिए भी एलिजिबिलिटी मिलती है। सेकेंड वहाँ पे ऑप्शन क्या है, मेडिकल फ्री है, आप अपने बच्चों को फ्री उनकी जो प्राइमरी स्कूल्स की स्टडी है वो आप फ्री करवा सकते हो, फैमिली को स्पॉन्सर कर सकते हो। तो ये सारे बेनिफिट है जो माल्टा में एज ए वर्कर वर्क परमिट मिलते हैं। बाकी डिपेंड करता है कैंडिडेट की कंपनी क्या है, वहाँ पे काम क्या है आपका, उसके अकॉर्डिंगली भी बहुत सारे हैं जो बेनिफिट मिलते हैं। तो ये हमारे साथ एक सक्सेस स्टोरी के साथ में हम इसको शुरू करते हैं। नेशनलिटी की अगर हम बात करें, ये नेपाली भाई हैं जो हमारे पास यहाँ पे UAE के अंदर काम कर रहे थे। इनका क्या काम है, क्या प्रोफेशन है, ये खुद बताएंगे। क्या यहाँ पे काम करते थे, क्या इन्होंने जॉब लिया, हमसे ये कैसे मिले, हमने इनसे कितना पैसा लिया फाइल बनाने के लिए, कितना चार्जेस किया और ओवरऑल कितना टाइम लगा, ये सारे क्वेश्चंस के हम आंसर इनसे लेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ब्रदर आपको कंग्रेचुलेशन, आपका माल्टा का जो वीज़ा लगा है वर्क परमिट उसके लिए। थैंक यू। और आप सारे व्यूवर्स को ये बता सकते हो कि आपका प्रोसीजर कैसा था, ये कैसा आपका जॉब ऑफर हुआ, कितना टाइम लग गया, कैसे हो गया, कितना खर्चा आया आपका टोटल, ये सारी चीज़ें। जॉब ऑफर तो मुझे 10 तारीख को मिला था, ये लास्ट महीने 21 दिन के अंदर मेरा सब हो गया। और इसमें पैसा तकरीबन मुझे 2500 रुपया तक खर्चा हुआ VFX में 490 रुपया जमा वहाँ पे 490 रुपया 490 490 लिया, समझे, बस वही लगा वहाँ पे खर्चा। आपका फीस है 840 रुपया लेगा फाइल प्रिपरेशन का, फाइल प्रिपरेशन का 840 इंक्लूडिंग वैट, उसके बिना अभी तक हमने आपसे कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं लिया, नहीं मांगा। आपका वीजा लग गया तब भी कोई वीजा नहीं है ना? नहीं मांगा। ओके, डॉक्यूमेंट आपने कौन सा दिया था? डॉक्यूमेंट्स में एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दिया था मैं और पासपोर्ट दिया था बस, ये या जो उधर से कंपनी भेजा था जो डॉक्यूमेंट्स बस वही दिया था और कुछ नहीं। और टाइम ड्यूरेशन ओवरऑल कितना आपका, जब आपने फाइल लिया उसके बाद में कितने टाइम में पासपोर्ट रिटर्न मिला? 22 तारीख को जमा किया पासपोर्ट और 29 को मुझे वीसा लग गया। बता सकते हो आपका उधर क्या हुआ? इंटरव्यू नहीं हुआ तो कुछ भी नहीं, कुछ नहीं पूछा। तो इनके साथ में जो एक्सपीरियंस हुआ इन्होंने अपना बता दिया। मैं आपको इस केस का पूरा डिटेल बताता हूँ कि अगर आप भी अपना नेशनल वीज़ा डी कैटेगरी का वीज़ा अप्लाई करना चाहते हो, विच इज़ वर्क परमिट, पहले मैंने बताया आपको विस्टर वीज़ा, लेकिन दिस इज़ अ वर्क परमिट विच वी आर टॉकिंग अबाउट। वर्क परमिट का प्रोसेस क्या है? वर्क परमिट में सबसे पहला होता है जॉब ऑफर। तो जॉब ऑफर वहाँ पे बहुत सारी ऐसी कंपनी है जिनको रियल कैंडिडेट चाहिए, रियल आप खुद भी जॉब्स अप्लाई कर सकते हो। मैंने आज से 1-1.5 साल पहले भी एक वीडियो बनाया था जिसकी डिस्क्रिप्शन में और इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मैं सारी की सारी फ्री जॉब ऑफर जॉब पोर्टल वाली कंपनी डाल दूंगा, जहाँ पर आप अपना जो है CV को, डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करके रियल में जॉब हासिल कर सकते हो, रियल में जॉब हंट कर सकते हो, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको कोई पैसा नहीं देना है। ये जो सारी की सारी वेबसाइट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, ये 99.9% ऑथेंटिक है और ऐसी वेबसाइट है जो कि उधर की गवर्नमेंट से अप्रूव्ड है, ऐसी एजेंसी है जो वहाँ की गवर्नमेंट से अप्रूव्ड है। तो वहाँ पर आप अपनी जॉब सर्च कर सकते हो, अपना अपडेटेड यूरोपास का CV बनाओ, जो आपका प्रोफेशन है, जिस लाइन में आपका एक्सपीरियंस है उसी लाइन में आप ट्राई करो ताकि आपको जॉब ऑफर है जल्दी मिल जाए, बिकॉज सेम लाइन में अप्लाई करोगे तो ही आपको जॉब ऑफर आएगा। पेशेंस रखने वाली बात है, बहुत सारे लोगों को 2-3-4-5-6 महीने में भी नहीं मिलता, इनको जल्दी मिल गया इनका किस्मत है, लेकिन बहुत सारे लोगों को जल्दी नहीं मिलता है। डिपेंड करता है डिमांड के ऊपर, डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर, कंपनी की भी एक प्रोफाइल होती है, उसकी वैल्यू है नहीं है, वहाँ की गवर्नमेंट, वहाँ का लेबर कोड, ये सारी चीज़ें एक्सेस करता है, फिर जॉब ऑफर है जो अप्रूवल देता है।
जब आपको जॉब ऑफर मिल जाता है आइडेंटिटी माल्टा से, फर्दर आपका काम आता है अपॉइंटमेंट का और फाइल बनाने का। नाउ अपॉइंटमेंट फाइल बनाने के ऊपर अपॉइंटमेंट मिल जाती है आपको 10-15 दिनों से 2-3 महीने के अंदर, ये डिपेंड करता है रश के ऊपर फॉर द VFS अवेलेबिलिटी। तो जब आपकी अपॉइंटमेंट हो जाती है फाइल बनाने के लिए काम आता है। अभी फाइल बनाने के लिए जो डॉक्यूमेंट चाहिए आपकी तरफ से, कैंडिडेट की तरफ से जो डॉक्यूमेंट चाहिए सबसे ज़रूरी है पासपोर्ट, किसी भी नेशनलिटी का पासपोर्ट है। आप सारे के सारे एलिजिबल हो, चाहे आप नेपाली हो, बंगाली हो, पाकिस्तानी हो, इंडियंस हो, सो ऑल नेशनलिटीज अफ्रीकन इंक्लूडिंग फिलिपिन इंक्लूडिंग ऑल नेशनलिटीज़ आर एलिजिबल। तो आप हर नेशनलिटी में माल्टा का जो वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। कंडीशन क्या है, आप यहाँ पे होने चाहिए या किसी भी गल्फ रीजन के अंदर होने चाहिए। आपका जो UAE का वीज़ा है वो 8 महीने पुराना होना चाहिए, ये एक सेकंड कंडीशन है। आपका UAE का रेजिडेंसी परमिट 8 महीने से पुराना होना चाहिए, तभी आपका VFS जो फाइल एक्सेप्ट करता है। तो ये इसका सेकंड है। थर्ड, आपको जो उधर से कॉन्ट्रैक्ट आया है वो आपका प्रॉपर होना चाहिए, प्लस आपके साथ में अकोमोडेशन का वाउचर भी होना चाहिए। ये आपका हो गया, पासपोर्ट हो गया, यहाँ का UAE का वीज़ा ID कॉपी 8 महीने पुराना और 3 मंथ कम से कम रहना भी चाहिए, ये भी कंडीशन है। उसके बाद में आपकी कंपनी से NOC लेटर चाहिए, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। बैंक स्टेटमेंट इसमें ऑप्शनल है, ज़रूरी नहीं है। जिन लोगों के पास में बैंक स्टेटमेंट नहीं है उनकी कंपलसरी भी नहीं कि बैंक स्टेटमेंट होना ही चाहिए। वैक्सीन सर्टिफिकेट आपका COVID-19 का कोई भी 2 डोज वैक्सीन होना चाहिए, लेटेस्ट फोटोज़ और एक PCC पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। यहाँ पे 120 दिरहम देके आपको ऑनलाइन में ही आप पुलिस स्टेशन से जाके ले सकते हो। विद इन 1 or 2 डेज आपको PCC मिल जाता है जो कि 6 मंथ तक वैलिड भी रहता है। तो ये आपकी तरफ से डॉक्यूमेंट है जो मैंडेटरी हैं माल्टा का वर्क परमिट अप्लाई करने के लिए। अपार्ट फ्रॉम दिस आप हमसे जो सर्विसेज लेते हो हम आपको अपॉइंटमेंट भी करके देते हैं, ट्रैवल इंश्योरेंस बना के देते हैं। जिनके पास में अकोमोडेशन का वाउचर नहीं उनके लिए होटल का या हॉस्टल का बुकिंग भी करके देते हैं। कवर लेटर हम बना के देते हैं, फॉर्म हम बना के देते हैं, और जो वर्क परमिट है उसके अंदर जो इंश्योरेंस लगता है वो 2 तरीके का है, 6 मंथ का भी है, 1 ईयर का भी है। अगर आप 6 मंथ के साथ में अप्लाई करोगे तो हम आपको वो 840 में देंगे। अगर आप 1050 में अप्लाई करोगे 1050 तो हम आपको 1 ईयर का ट्रैवल इंश्योरेंस देंगे। ये सारी चीज़ें हम आपको बना के देंगे। आपको कंप्लीट फाइल यहाँ से लेके जाना है, VFS में जाके जमा करना है जैसे इन्होंने किया। VFS में एम्बेसी का फीस आपको पे करना है विच इज़ रफली 490 दिराम, जैसे इन्होंने बताया कि 450 दिराम आपका वहाँ पे लगता है। वंस यू पे दिस फीस तो 15 से मैक्सिमम 20 दिनों के अंदर अंदर है जो रिजल्ट मिल जाता है। आपको सर जी पासपोर्ट कितनी देर के बाद में मिल गया? 9 दिन के अंदर। सो यूजली एनी टाइम इट कुड बी, मैक्सिमम टाइम इज 15 to 20 डेज। 5 दिनों में भी आता है, 9 दिनों में भी आता है। लाइव एग्जाम्पल आपके सामने है जो खुद अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं। 90% इंटरव्यू नहीं होता है। जैसे इन्होंने पूछा कि कोई क्वेश्चन मेरे से नहीं पूछा है। 10% वर्क परमिट के अंदर इंटरव्यू लेते हैं VFS वाले। बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, क्या आपने आपसे क्वेश्चन पूछेंगे क्या आपने आंसर देना है, वो भी हम आपको खुद गाइड करेंगे। ये सारी चीज़ें हम आपको प्रॉपर हमारे ऑफिस में गाइड करेंगे। आपको वहाँ पे जाना है, आपका फाइल जो हम आपको बना के देंगे वो सबमिट करना है, फिंगर होंगे, बायोमेट्रिक्स होंगे एंड दैट्स इट। जो भी आप एड्रेस दोगे उस एड्रेस में आपको आपका पासपोर्ट डिलीवर हो जाएगा। ओपन करोगे तो आपको पता चलता है वीज़ा मिला या नहीं मिला, ये इसका टोटल कॉन्सेप्ट है। आफ्टर वीज़ा सक्सेस भी हम कोई पैसा नहीं लेते हैं आपसे एडिशनली। सो दिस इज़ आर टोटल फाइल मेकिंग चार्जेस विच इज़ 840 और 1050। ये डिपेंड करता है इंश्योरेंस के ऊपर, सिर्फ जो डिफरेंस है वो इंश्योरेंस का ही है। ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे या आप भी अपना वीज़ा अप्लाई करना चाहते हो या किसी भी कंट्री का आपको वीज़ा चाहिए, चाहे वो US, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड हो, UK हो, आयरलैंड हो, तो साउथ अफ्रीकन या अमेरिकन कंट्रीज़ हो, तो हम ऑलमोस्ट सारी की सारी कंट्री में ही डील करते हैं। वी आर ऑल्सो स्पेशलिस्ट फॉर द रिफ्यूज़ल केसेस। आपका केस अगर रिफ्यूज़ है किसी भी कंट्री से, आप अपने प्रोफाइल के असेसमेंट के बारे में जानकारी लेना चाहते हो, सो यू कैन विजिट आवर ऑफिस फ्रॉम मंडे टू सैटरडे मॉर्निंग 11 बजे से लेकर 9 बजे तक हमारा रेगुलर टाइम्स में है जो ऑफिस चलता रहता है। संडे हमारा ऑफिस बंद है। सो आप कभी भी आना है, स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर हैं। फ्री कंसल्टेंसी है, बताने के लिए समझाने के लिए हम आपसे कोई पैसा नहीं लेते। आप एक बार आए हो, 2 बार आए हो, 5 बार आए हो, पहले कोई पैसा नहीं लेंगे। वंस यू स्टार्ट योर वीज़ा एप्लीकेशन तभी हम आपसे चार्ज करेंगे, वो भी हमारा फाइल मेकिंग चार्जेस ओनली। ये वीडियो अच्छे लगे इसको लाइक करो, ऐसी और बहुत सारी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि कभी भी हम कोई भी वीडियो अपलोड करें आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। थैंक यू फॉर दिस वीडियो।